We are again focusing on the chemical properties of ammonia, and you know we are working on the study of compound chapter of ammonia. In this we were doing the chemical properties, so we have discussed two of the chemical properties. Very first was, if you remember, that we have discussed about the catalytic oxidation of ammonia. We have also discussed about the burning of ammonia and oxygen. So these two properties we have discussed. Now we are focusing on the ammonia gas when it's basic nature. So now you should be understanding that what does it mean that ammonia is basic in nature, if I say. So let's talk about it. When ammonia, if you see that ammonia in water is ammonium hydroxide, okay? So let's see how this has been formed, this ammonium hydroxide. It is ammonium hydroxide. Now let's see to it, like ammonia gas when reacts with water, it gives you NH4OH, जो कि क्या है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कहते हैं लिकर अमोनिया. ठीक है. नाउ दिस लिकर अमोनिया इज अ वीक बेस. बेस है, लेकिन कैसा बेस है? वीक बेस है. अब देखते हैं कैसे. अगर हम NH4OH को लेते हैं, ठीक, और इसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन से इंडिकेट करते हैं, तो ये पार्शियली डिसोसिएशन पे जाता है. पार्शियल डिसोसिएशन में ये NH4 प्लस अमोनियम आयन देगा और OH आयन्स, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स तुम इसके लोगे वो सारे के सारे अमोनियम आयन्स और हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देंगे, पार्शियली डिसोसिएट करेगा. मतलब ये नहीं कि अगर सपोज करो 100 लिए हैं आपने यहाँ पे, तो हो सकता है 50 मॉलिक्यूल्स इसके डिसोसिएट हुए, 50 यू गेट NH4 प्लस आयन्स एंड 50 OH माइनस आयन्स. क्योंकि देखो इन दोनों का लेवल तो बराबर हुआ, ये नहीं कि 60 या 50 है, बट यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है उसमें से कितने ब्रेक करके आपको आयन्स दे रहे हैं वो मैटर करता है. तो कम्प्लीटली होता तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो चुके थे, इसीलिए यहाँ वर्ड यूज़ करा जाता है दे गो फॉर पार्शियल डिसोसिएशन इन एक्वस सोल्यूशन. ठीक है, तो ये क्या होता है, इट अंडरगोज partial dissociation in aqueous solution. aqueous solution फिर याद होगा हम AQ लिखते हैं, ठीक है. तो बुक में अगर ये भी लिखा हो तो मतलब यही है aqueous solution. ठीक है. Now it's basic in nature, alkaline in nature होता है. तो ये समझ में आया क्या है, ये अमोनियम आयन और ये क्या है, बेस होने की वजह से ही तो ये हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है आपको. अब देखो यहीं से तुम्हें पता चल गया कि ये भाई बेस कैसे हुआ, क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है. अब ये सारी कंडीशन देगा कैसे, जो अभी तुम पढ़ के आए हो, रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू. ठीक है, तो इट चेंजेस रेड लिटमस लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू. दूसरा फिनोफ्थेलिन का केस ले सकते हो, फिनोफ्थेलिन चेंजेस टू पिंक, बेसिकली कलरलेस टू पिंक होता है फिनोफ्थेलिन, कलरलेस होती है, चेंजेस टू पिंक. ठीक है, ये इससे तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर वो बेस है. यदि हमने आपको वीडियोस पहले ही भेजी, आई विल सेंड यू अगेन फॉर इट. नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट. इन योर कोर्स दे हैव गिवन यू few things about, I think this basic nature is clear to you, that how it has been there, basic nature. Now in the book there is much detailing has been there, so there is no need to go on it, focus on these points only. Now let's come to the first part, the reaction has been there, that ammonia reacts with HCl gas, acid. And it should be in dilute condition, so it gives you a ammonium salt. ठीक है, basically acids तो बहुत होते हैं, लेकिन हमारे course में सिर्फ हमें HCl दिया रखा है. ठीक है, तो ये हमें क्या दे देगा, NH4Cl. तो ये क्या है आपका, अमोनियम क्लोराइड, ये आपको salt दे देगा, अमोनियम क्लोराइड. ठीक है, तो ये अमोनिया है आपकी, अमोनिया गैस है, reacts with dilute HCl, gives you NH4Cl. अब HNO3 के साथ ले सकते सल्फ्यूरिक एसिड, तो अगर HNO3 के साथ लोगे तो आपको अमोनियम नाइट्रेट मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड में लिख देती हूँ, लेकिन आपके कोर्स में यही वाला रिएक्शन है.
नाउ रिएक्ट्स विद, जैसे अमोनिया गैस रिएक्ट्स विद HNO3, ठीक है, ये भी डाइल्यूट कंडीशन पे होगा, तो ये NH4NO3, इसका नाम क्या हो गया, अमोनियम नाइट्रेट। ये बहुत नाम तुमने सुना होगा, अमोनियम नाइट्रेट स्टार्टिंग में ही सुना था। NH3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, अगेन इट्स अ डाइल्यूट कंडीशन, सो इट गिव्स यू NH4 होल टूवाइस SO4, सो इट इज़ वॉट अमोनियम सल्फेट यू आर गेटिंग। आई थिंक दिस मच इज क्लियर टू यू। सो दिस वे नाउ वी फोकस ऑन द बेसिक नेचर ऑफ इट ऑल्सो, देर आर मेनी अदर पॉइंट्स ऑल्सो। सो इफ़ यू रिमेंबर योर एनालिटिकल केमिस्ट्री, मुझे लगता है मैं इसको डिटेलिंग यहाँ नहीं करूँगी, एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमने कुछ रिएक्शंस पढ़े थे, एक आध हम लेते हैं विद NH4OH के साथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर यूजिंग Iron 3, ठीक है, कंडीशन लाइक FeSO4 के साथ, और NH4 के साथ आप रिएक्ट करा रहे थे, ठीक, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बेसिक कंडीशंस को शो कर रहा है, तो इट गिव्स यू सॉल्ट प्लस, और कौन सा सॉल्ट दे रहा था वो, अमोनियम सॉल्ट, ये रूल है, एंड इट गिव यू मेटालिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्योंकि अमोनिया पढ़ रहे हैं इसीलिए इसको पहले लिखा है, तो ये क्या सॉल्ट दे देगा आपको, देखो अगर नहीं याद हो रहा होगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, मैं चार्जेस नहीं लगा रही हूँ, तो डोंट गेट कन्फ्यूज, मैम ने गलत लिख दिया, तो ये +2 है या -2 है, ये +1 है या -1 है, ठीक है, तो आप इसमें आपको मालूम है पॉजिटिव नेगेटिव से कंबाइंड करेगा, तो यहाँ पर आपको अमोनियम सल्फेट बनाएगा क्योंकि सॉल्ट अमोनियम का बन रहा है, प्लस FeOH होल टूवाइस, ठीक है, तो ये आपको PPT एरो लगा देना। अब ये जो PPT आपका बना है इसका नाम क्या है, इट इज़ वॉट, इट इज़ Iron 2 हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये याद हो रहा होगा एनालिटिकल केमिस्ट्री में, कौन से कलर का होता है, डर्टी ग्रीन, ठीक है। अब एक्सेस ऑफ अमोनिया में क्या होता है, इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ अमोनिया, आई थिंक दिस यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग इट, सॉरी अमोनिया, एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, आई थिंक दिस पोर्शन वी हैव डिस्कस, ऐसे ही आप FeC3 के साथ करेंगे, FeCl3 के साथ, लेड नाइट्रेट के साथ बनाएंगे, जिंक सल्फेट के साथ करेंगे एंड कॉपर सल्फेट के साथ करेंगे, दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द एनालिटिकल केमिस्ट्री पोर्शन, सो प्लीज़ फोकस ऑन दैट ऑल्सो। ये तीन भी हैं आपके, चलिए हम लोग कर लेते हैं, FeCl3 रिएक्ट्स विद NH4OH गिव्स यू FeOH होल थ्राइस प्लस NH4Cl, थ्री टाइम्स, राइट, तो ये क्या है आपका Iron 3, इसी में लिखिएगा, फेरिक और फेरस में मत लिखिएगा, हाइड्रोक्साइड, ठीक, एरो या नीचे, ये कैसा होता है, कौन सा कलर होता है इसका, रेडिश ब्राउन कलर, एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ये भी क्या है, इनसॉल्युबल, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू योर लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस NH4OH, तो ये क्या है आपका, चलिए पहले अमोनियम का सॉल्ट बना लें, NH4NO3 प्लस PbOH होल ट्वाइस, ठीक है, बैलेंस करने के लिए टू लगाइए, यहाँ टू लगाइए, ये आपका PPT एरो लगा देना, ये छोटे छोटे उसमें नंबर्स कट जाते हैं, तो ये जो आपको PPT मिला है उसका क्या नाम है, लेड टू हाइड्रोक्साइड एंड कलर क्या है इसका, चौकी वाइट, और एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ये भी क्या है, इनसॉल्युबल, ठीक। नाउ लेट्स कम टू योर जिंक सल्फेट, ज़रूरी नहीं है जिंक सल्फेट हो, टीचर जिंक क्लोराइड भी दे सकती है, तो जैसा देगी वैसा आप रिएक्शन लिखिएगा, इट्स नॉट लाइक दैट कि टीचर विल गिव यू ZnSO4 तो यू विल जस्ट फोकस ऑन दैट, कि वी विल फोकस ऑन जिंक सल्फेट ओनली, शी कैन गिव यू ZnCl2 ऑल्सो, सो NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस ZnOH होल दिस थिंग्स
ये एन एच होल्ड एस ओ फोर या जेड एन ओ एच होल्ड एस फोर टू ओ वाई। तो आपको पी पी टी क्या मिल गया है, जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये कैसा होता है, वाइट जिलेटिनियस एंड इट इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, राइट। नाउ इफ इट इज सॉल्युबल देन जेड एन ओ एच होल्ड वाइज एक्सेस ऑफ एन एच फोर ओ एच में क्या रिएक्शन बनाएगा, क्योंकि देखो सोल्यूशन में ये चीज़ भी इसी में तो एक्सेस में हो जाएगा, तो ये पूरा एज इट इज उतार लो। एन एच फोर होल्ड वाइज एस ओ फोर एरो, मैं यहाँ आंसर नीचे लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो ये एक आपको जेड एन एन एच थ्री होल फोर एस ओ फोर ये कॉम्प्लेक्स दे रहा है आपको, ठीक है, प्लस फोर वाटर। बैलेंसिंग देख लें कि कहीं कुछ छूटा ना हो, ये रहा दो, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा। अब आपके पास है कॉपर का। अब अच्छा एक चीज़ और बेटा, अगर जिंक क्लोराइड रहता है इसमें तो ये वाली रिएक्शन तो सेम रहेगी, ऊपर में बस चेंज कर देना और उसकी जगह आप जेड एन ओ एच होल्ड वाइज प्लस एन एच फोर सी एल, ठीक है, टू लगा देना यहाँ पे, या सही से टू लगाना और यहाँ पे टू लगाना, ठीक है। तो ये आपके पास बस ये रिएक्शन चेंज हो जाएगी अगर आप टीचर जिंक क्लोराइड दे दें आपको, ठीक है। तो पहली रिएक्शन यही रहेगी लेकिन सेकंड रिएक्शन सेम रहेगी दोनों में, चाहे जिंक सल्फेट दे दो टीचर जिंक क्लोराइड दे दो। इट्स क्लियर टू यू? नाउ लेट्स कम टू द कॉपर सल्फेट। इफ कॉपर सल्फेट शी गिव्स यू सी यू एस ओ फोर प्लस एन एच फोर ओ एच सी यू ओ एच होल्ड ट्वाइस एन एच फोर होल्ड ट्वाइस एस ओ फोर, इट्स अ पी पी टीज। तो हाइड्रोक्साइड्स में बच्चों ये एरो जरूर लगाना, अगर मैं यहाँ भूल जाऊँ तो ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम ये लगा लेना, डाउन एरो पी पी टी को शो करता है, राइट। सो दिस इज शोइंग योर एरो। इस जगह पे क्या बन रहा है, ये कॉपर टू हाइड्रोक्साइड लगाना, क्योंकि कॉपर में क्यूप्रस और क्यूप्रिक दोनों होता है। देन दिस थिंग व्हाट इज़ द कलर ऑफ इट, इट्स पेल ब्लू, ठीक है। ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है इन एक्सेस ऑफ दिस थिंग। तो आपको इसका भी रिएक्शन पता होना चाहिए कि एक्सेस में क्या शो करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग। तो वही है जो पीछे का आउटकम सोल्यूशन था आपका, वो एज इट इज़ आप उतारोगे, ठीक है, क्योंकि यही था ना प्रोडक्ट में, एक्सेस है तो एन एच फोर ओ एच भी डाल दो। ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा सी यू एन एच थ्री होल फोर स्क्वायर ब्रैकेट एस ओ फोर प्लस फोर वाटर, ये चीज़ आपको दे देगा। तो ये चीज़ आपके पास है, इसको बैलेंस करने के लिए पुट इट टू ओवर हियर। सो इट्स डीप ब्लू इन कलर और इंकी ब्लू, ठीक है। तो डीप ब्लू होता है, इंकी ब्लू होता है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। इसका नाम क्या होता है, ये तो कलर हो गया इसका, और नाम हुआ इसका टेट्रा अमीन, एक ही टाइम ही आएगा, टेट्रा अमीन कॉपर टू सल्फेट। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू चिल्ड्रन, दिस वे यू हैव टू राइट डाउन दिस पार्ट। तो डीप ब्लू या इंकी ब्लू कुछ भी हो सकता है, ये आपका आउटकम होता है। आई थिंक दिस इज़ मच ईजी फॉर यू, दैट दिस रिमेंबर दैट दिस पोर्शन व्हेन यू आर यूजिंग दिस इज़ इन एक्सेस अमाउंट में होता है। तो इंकी ब्लू कलरेशन लगा दो, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, पी पी टी तो नहीं है। कलरेशन और पी पी टी में अलग होता है, जैसे एक लिक्विड है, ठीक है, उसमें तुम्हें ब्लू कलर दिखे तो दैट इज़ कलरेशन। अगर वही एक लिक्विड है, जैसे ये कंडीशन क्या पूरा ब्लू है, कलर दिख रहा है, तो ये कलरेशन हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ पानी ऊपर दिख रहा है और नीचे तुम्हारा ब्लू कलर का कुछ सॉलिड पार्ट तुम्हें यहाँ दिख रहा है, तो ये कंडीशन होती है प्रेसिपिटेशन की। प्रेसिपिटेशन या इसको बेसिकली जो सही वर्ड यूज़ करेंगे आप, प्रेसिपिटेट बोलते हैं या रेसिड्यू। दीज आर द टू स्पेसिफिक वर्ड्स विच यू हैव टू फोकस, दैट वी हैव टू यूज़ दीज टू टर्म्स ओनली। यू विल नॉट राइट डाउन सॉलिड बिकॉज दैट थिंग यू विल नॉट गेट मार्क्स। सो दिस वे आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर टू यू, वैन यू आर सेइंग कलरेशन एंड वैन यू आर सेइंग पी पी टी, लाइक दिस एरो विच वी आर डूइंग,
इट मीन्स वी आर फोकसिंग टूवर्ड दिस प्रेसिपिटेट पार्ट. सो प्रेसिपिटेट इज मीन्स जैसे हमें दिखा था ना कॉपर हाइड्रोक्साइड वी वॉज शोइंग एंड आई वॉज पुटिंग एन एरो डाउन एरो वॉज बीन देयर. तो दैट इज योर रेसिड्यू ऑफ प्रेसिपिटेट. सो दिस इज क्लियर टू यू हाउ यू हैव टू जज. एंड दिस पर्टिकुलर टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेन द सॉल्ट्स आर गिवन टू यू यू कैन ईजली डिस्टिंग्विश द टू डिफरेंट सॉल्ट्स बाय देयर मेटालिक हाइड्रोक्साइड और द इन केस ऑफ एक्सेस दे आर गिविंग यू एन आउटकम ऑफ इनसॉल्युबल और सॉल्युबल. सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू ऑल. सो प्लीज वर्क ऑन दीज केमिकल प्रॉपर्टीज. So hopefully this portion of chemical property is completed, but still we will focusing on another property, that is reducing a action. So there is one reaction also, that portion that is also very important. Means every year alternative years these questions are coming, so there is no idea to leave these questions because they will come. So please work on it and learn each and everything.